अपना उद्बोध बोलने से पहले दो पंक्तियां आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तमन्ना है कुछ कर दिखाने की, तमन्ना है कुछ कर दिखाने की, बस आपका साथ चाहिए, तकदीर बदल देंगे रेगर समाज की। अखिल भारतीय रेगर महासभा के तत्वावधान में छठा रेगर महासम्मेलन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय बीएल नोल साहब और इस कार्यक्रम के संयोजक दिल्ली के पूर्व मेयर योगेंद्र जी चारुलिया जी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मौसल प्रिया जी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गाड़ी गांवले जी, समस्त महासभा के पदाधिकारीगण, समस्त अधिकारीगण, महासभा के मेरे पदाधिकारीगण और समस्त पिता तुल्य और माताएं और बहनें और प्यारे भाइयों, आज इस सम्मेलन में जो शराब के विषय में मेरे को बोलने का मौका मिला, मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेगर समाज जो सामूहिक रूप से कार्यक्रम हो या जो सार्वजनिक स्थानों में जो शराब का जो सेवन किया वो मेरे को इस विषय में बोलने का मौका मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बंधुओं कि शराब एक ऐसी वस्तु है जो समाज को तोड़ने का काम भी करती है और समाज को एक गरीबी पे लाने का एक स्तर का भी काम करती है। बंधुओं मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो शादी ब्याह होती है, पैरावली होती है और कई कार्यक्रम होते हैं जो उसी पर अपन समाज के लोग चाचल पर बिठाकर एक शराब का सेवन करवाते हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि समाज से हमारे समाज एक विकलांगता आ रही है और समाज का उत्थान नहीं हो रहा है। मैं आपसे इस सम्मेलन के माध्यम से आज संकल्प लेके जाना है कि अपन सार्वजनिक स्थान पर या रेगिस जो समारोह होते हैं उसमें शराब का सेवन नहीं करेंगे। बंधुओं मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि जो समाज इस शराब से दूर रहता है वो समाज हमेशा अग्रसर की ओर बढ़ता है। बंधुओं मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं उनको भी नमन करना चाहता हूँ, मैं जो हमारे स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज उनको भी नमन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, स्वामी ज्ञान स्वरूप ने कहा था कि मैं रेगर समाज के उत्थान के लिए, रेगर समाज के विकास के लिए, रेगर समाज को चाचन बिठाने के लिए मेरा अगर चलते के खून का कतरा भी दिया जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बंधुओं मैं ये बताना चाहता हूँ, संत शिरोमणि संत रविदास जी उन्होंने कहा था कि जब 1494 में जो भारत का एक ही शासक था सिकंदर लोदी, उन्होंने कहा था कि आप इस्लाम ग्रहण करो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम ग्रहण नहीं करूंगा, उनको दांत कटोरी में बंद कर दिया। लेकिन जब उनके ज्ञान और बुद्धि और एक धार्मिक प्रवृत्ति की ओर से उनको एक प्रेरणा मिली, उन्होंने कहा जो सिकंदर लोदी ने कहा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ कि मेरे से गलती हो गई मुझे क्षमा करे, उनको सच सम्मान उनके घर पे छोड़ गए, ऐसे में संतों को नमन करना चाहता हूँ। मैं बंधुओं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जो हमारे समाज में कई कुरीतियां उनको बंद करने के लिए हम बैठ गए और यही चाचा अपन सारे लोग चाचा में बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग चाचा में बैठे हैं, मैं आप यही कहकर जय हिंद जय भारत।